revision in pension of teaching staff, faculty एंड अदर नॉन टीचिंग स्टाफ। दोस्तों ये है आज का हमारा टाइटल जो कि सेवंथ पे कमीशन के अंतर्गत होने वाली हाइक को दर्शाता है। दोस्तों वर्तमान भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और जो टीचिंग फैकल्टी है या प्रोफेसर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती है या पढ़ाया था उन्होंने। दोस्तों बता दें कि इसके हिसाब से जो अभी प्रेजेंट में 25,000 जो प्रेजेंट टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी फायदा मिलेगा जो कि कुछ ही सालों में या कुछ ही टाइम बाद रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनकी संख्या लगभग 25,000 रुपए है जो कि पेंशन के हकदारी होंगे। इसके अलावा जो 23,00,000 जो रिटायर्ड इम्प्लॉयज है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्केल को अपना रखा है, वो सारी यूनिवर्सिटीज के रिटायर्ड स्टाफ को इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों बता दें कि इसमें 8,00,000 तो टोटल टीचर्स हैं और 15,00,000 इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ है जो क्लैरिकल स्टाफ जो होते हैं वो है। तो इन सबको ये फायदा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में फायदा है। इसका टोटल फायदा लगभग 6,000 रुपए से 18,000 रुपए के बीच के दायरे का पर एम्प्लॉय को फायदा होगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी सेवंथ पे स्केल के ऊपर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। हमने अपनी और भी बहुत सारी सीरीज और वीडियो सेवंथ पे स्केल के ऊपर बनाई है, वो जाके आप जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।